उधर माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा आयोजित 66वीं राज्य स्तरीय 17 और 19 वर्षीय बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का हनुमानगढ़ की SKD यूनिवर्सिटी में समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन उपाध्यक्ष अमीन पठान ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हनुमानगढ़ जंक्शन की SKD यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और 24 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य के 2800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों द्वारा सफेद कबूतरों का आजाद आसमान में छोड़कर विश्व शांति का संदेश दिया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि को सभी 33 जिलों की टीमों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। अर्जुन अवार्डी पैरा ओलंपियन संदीप मान ने मशाल प्रज्वलित कर और मुख्य अतिथि अमीन पठान ने ध्वजारोहण कर 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बालक बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबूलाल जुनेजा ने प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत कर खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर गुड्डे डिफेंस स्कूल के संगीत शिक्षक और गायक कमलेश कल्याणा और संगीत निर्देशक BL सूर्या द्वारा शिक्षा पर आधारित एक गीत के पोस्टर का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि और उपाध्यक्ष राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अमीन पठान ने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और टीम वर्क के साथ खेलने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में क्रिकेट की काफ़ी संभावनाएं हैं और हनुमानगढ़ से खेल कर दीपक चाहर राष्ट्रीय टीम तक पहुंचे हैं। हनुमानगढ़ ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक खिलाड़ी दिए हैं, इसलिए RCA द्वारा हनुमानगढ़ को हर संभव सहयोग देने की बात कही गई। नहीं बिल्कुल, इस मामले में कई बार बात हुई है। अभी क्रिकेट संघ के जो यहाँ के सेक्रेटरी है मनीष जी, वो लगातार RCA में बात करते हैं और हनुमानगढ़ के कई सारे प्लेयर राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पहले भी दीपक यहाँ से खेलता था, देश के लिए खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पे कई सारे बड़े मैच रणजी ट्रॉफी के और बोर्ड टूर्नामेंट यहाँ पे नजर होते हुए नजर आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर बड़े जो हमारे हेडक्वार्टर थे वहाँ पे भव्य स्टेडियम भी बन गए, वहाँ पे मैचेस भी हो रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।